अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली जमात फर्स्ट क्लास गुलिस्तान उर्दू। सफ़ा नंबर 5 पर हरूफ़ तहजी हम पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले मैंने आपको कहा था, बच्चों हरूफ़ तहजी अलीफ़ से लेकर या तक के हरूफ को हरूफ़ तहजी कहते हैं। तो अब यहाँ से हम हरूफ़ तहजी पढ़ेंगे, अलीफ़ से लेकर या तक पूरे हरूफ़ तहजी हम पढ़ेंगे, इनको क्या कहते हैं? हरूफ़ तहजी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ पढ़ना है बच्चों। ठीक है, अलिफ़ से शुरू होने वाले अल्फाज, अलिफ़ से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ेंगे हम, और अलिफ़ के लिखने का तरीक़ा हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अलिफ़ से अनार, अलिफ़ से अंगूर, अलिफ़ से अंडा, अलिफ़ से अनार, अलिफ़ से अंगूर, अलिफ़ से अंडा, अलिफ़ से अनार, अलिफ़ से अंगूर, अलिफ़ से अंडा, 3 मरतबा इसी तरीके से मेरे साथ आपको ये पढ़ना है बच्चों। अलिफ़ से अनार, अलिफ़ से अंगूर, अलिफ़ से अंडा। ठीक है, अब हम अलिफ़ को लिखने का तरीक़ा सीखेंगे। यहाँ पर किताब लिखने वालों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर इस निशानी के ज़रिए हमको समझाया है कि अलिफ़ शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म, शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है। ठीक है, अलिफ़ शुरू होगा बच्चों ऊपर से नीचे की जानिब, यहाँ पर हम रुकेंगे। ठीक है, अलिफ़ शुरू होगा ऊपर से, ऊपर से नीचे की जानिब हम ऐसे इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे। कोई भी बच्चा अलिफ़ इस तरीके से नहीं लिख सकता, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा, वो होगा सही तरीक़ा लिखने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उसकी मश्क करेंगे लिखने की, सही लिखने की मश्क। अलीफ ऊपर से, ऊपर से शुरू होगा, नीचे की जानिब जाएगा, ऊपर से शुरू होगा, नीचे की जानिब जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आपको पेंसिल से मश्क करना है इसके ऊपर, अलीफ पढ़ते हुए, अलिफ पढ़ते हुए आपको मश्क करना है। मश्क करने के साथ साथ आपको आगे बाकी भी मश्क करना है। ये होगा बा, 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 बा से बस, बा से बतख, बा से बल्ब, बा से बस, बा से बतख, बा से बल्ब, बा से बस, बा से बतख, बा से बल्ब। अब बा को लिखने का तरीक़ा सीखेंगे, कहाँ से वो शुरू होगा और कहाँ पर वो ख़त्म होगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि किताब लिखने वालों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, बा यहाँ से शुरू होगा, सीधी सीधी जानिब से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होगा। ये तीरों के ज़रिए हमको समझाया गया है कि इस तरीके से आगे यहाँ पर ख़त्म होगा। अब इसको हम समझने के साथ साथ यहाँ पर लिखने की भी मश्क करेंगे, बा को लिखने की मश्क करेंगे, बा को बा,
ब। तो आपका होमवर्क यही होगा बच्चों कि आपको अलिफ और बा की मश्क करना है और उसके उससे शुरू होने वाले हरूफ अल्फाज याद करने हैं। ठीक है, आपको डेट डालना है बच्चों। यहाँ पर देखिए जैसे कि ऊपर 26/7 डला हुआ है। ठीक है, आपको डेट डालते हुए अपना होमवर्क भी करना है और क्लास वर्क भी करना है। होमवर्क क्लास वर्क ये रहेगा, होमवर्क ये रहेगा। ठीक है, डेट डालकर आप अपना वर्क कीजिए। अल्लाह हाफिज़।